स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये हैं चाहते में, अब आने वाले हैं एक के बाद एक कई सारे इंटरेस्टिंग से ट्विस्ट। जी हाँ, प्रीशा और रुद्र की जिंदगी एक बार फिर से उनके पुराने ट्रैक पर वापस लौटने वाली है। इतने महीनों से प्रीशा और रुद्र थे एक दूसरे से दूर, लेकिन फाइनली इस एक बड़े हादसे के बाद दोनों ही एक दूसरे के आने वाले हैं करीब। इतना ही नहीं, दोनों को जोड़े रखने वाली कड़ी सारांश भी वापस लौटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल शो में अब ये इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट हमें देखने के लिए मिलेगा कि एक और अरमान खुद ही प्रीशा और रुद्र को मिलाता हुआ नजर आएगा। दरअसल प्रीशा रुद्र से दूर नहीं रहना चाहती, और ऐसे में अरमान भी ये देख चुका है कि प्रीशा उससे नहीं बल्कि रुद्र से प्यार करती है, और ऐसे में अरमान खुद ही प्रीशा को ये कहता हुआ नजर आएगा कि वो रुद्र के साथ रह सकती है। उसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि प्रीशा रुद्र से कितना प्यार करती है। वेल, यहाँ पर सभी बहुत ज्यादा खुश होंगे। प्रीशा प्रपोज करती हुई नजर आएगी रुद्र को, और वो उसे डेट पर चलने के लिए कहेगी क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया है कि रुद्र को जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वेल, एक और हमें रुद्र और प्रीशा की करीबियां एक बार फिर से देखने के लिए मिलने वाली है। इस बार दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है। जहां अभी तक दोनों के बीच अरमान एक बड़ी दरार बना हुआ था, लेकिन अब अरमान भी उन दोनों को मिलाने वाला है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि आहना और मिशिका ने सारांश को मेकअप करके एक लड़की बनाया होता है, लेकिन अब सारांश का असली चेहरा जल्द सामने आने वाला है। और इसी के साथ शो में एक नई एंट्री भी होगी, और बता दें कि ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हमें देखने के लिए मिलेगा कि जिस नई लड़की की एंट्री होने वाली है, अब उसके हाथ लगने वाला है सारांश। और जब आहना मिशिका ये देखेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। अब देखना ये मज़ेदार होगा कि जो नई एंट्री होने वाली है आखिरकार कौन है ये शख्स, क्या ये सारांश को उसके मम्मी पापा से मिलाएगा। वेल, क्या होगा अब शो में, ये सब देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो देखते रहिए स्टार प्लस पर, ये हैं चाहते हैं।